चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल मुंबई। इतने से पतले से रास्ते में ना 22 फुट की गणपति यहाँ से अंदर जा गई है। तो देखो पीछे मूर्ति है अपनी ढकी हुई है। देखो इतने बड़े बप्पा है मुंबई का महाराजा। यहाँ पर देखो अभी ना रायगढ़ फोर्ट बना रहे हैं। चिंतामणि गणपति का टी शर्ट लेकर आए हुए, तो वो दिखाते हैं। जय जय श्री राम। वेलकम टू अनदर ब्लॉग वीडियो। और आज तो बहुत ही ज्यादा खास दिन है क्योंकि आज 5 सितंबर है, गुरु दिवस है, शिक्षक दिवस, टीचर डे। आई हैप्पी टीचर डे। आई मुझे मेरे टीचर डे के दिन याद है, आज 5 सितंबर, आज मेरे लिए एक खास दिन और है। आज मुझे टोटल 5 साल हो गए इंस्टाग्राम चलाते हुए। आज ही के दिन मैंने सुबह सुबह लगभग 7 बजे के करीब इंस्टाग्राम ओपन किया था और मेरी मैंने ये वाली पोस्ट डाली थी। देखो 5 साल पहले मैं कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो मैं अपने 2-3 जो सर टीचर है स्कूल टाइम, एक मिनट, जो मेरे 2-3 स्कूल टीचर है ना काफ़ी अच्छे, जिनके साथ मेरी यादें हैं, मैं उनके नाम बोल देता हूँ। एक पाल सर, एक सुनीता मैम और बानू मैम, सुजाता मैम, बिंदु मैम, ये 4-5 टीचर ना मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सहायक हुए थे मेरे टाइम पे जब मैं था। अब तो मुझे वहाँ से छोड़े काफ़ी टाइम हो गया, बट मुझे अक्सर मिलते रहते हैं कोई ना कोई। तो देखो आज का मेरा व्लॉग रहने वाला है ना कि कैसे गणपति का पूरा, जो बड़ी बड़ी गणपति है मुंबई की, उसका डेकोरेशन किस तरह से मंडप होता है। और अभी का फिलहाल मतलब अभी गणपति आने में लगभग 15 दिन और बचे 14 दिन, तो देखते हो उस दिन में मतलब उसके पहले तक में कितना सब तैयारी रहता है। आज उसकी पूरी वीडियो बनने वाली है। तो फिलहाल मुझे 2-3 भाई लोग मिल चुके हैं जो कि यहाँ पे चिंतामणि गणपति का टी शर्ट लेकर आए हुए हैं, तो वो दिखाते हैं। ओपन करो, ओपन करो इसको फटक से, ओपन करो। आगे पीछे से चिंतामणि गणपति का, ये देखो ये उनका सिंबल है। और पीछे साइड दिखाओ कैसा है। यहाँ पे देखो शेतकर चतुर्थ वर्ष, तो चिंचपोकली चिंतामणि इसको 104 वर्ष पूर्ण हुए, 104 साल पूरे हो गए। तो देखो चिंतामणि को 104 साल पूरे हो गए। तो फिलहाल अब हम लोग चलते हैं और मैं आया हूँ आज अपने फ्रेंड सुजल के साथ में। तो चलते हैं, आज हम लोग पूरा कवर करेंगे भाई के कैसे मतलब डेकोरेशन पूरा होता है और लगेगा, तो वर्कशॉप भी दिखा देंगे जैसा जैसा जो जो दिखेगा। तो देखो सबसे पहले हम आए हैं चिंतामणि के डेकोरेशन में। तो सामने देखो ये पूरी लाइटनिंग लगी हुई है। ये यहाँ पे ना ऐसे स्टेशन गया हुआ है, वहाँ से ऐसे होते हुए सीधा मतलब स्टेशन से बस 5 मिनट की दूरी पे ये। सामने देखो यहाँ पे अभी डेकोरेशन चालू है, मंडप बन रहा है, अभी मूर्ति का आगमन नहीं हुआ है। 9 सितंबर को आगमन है तो हम भी उसका ज़रूर कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अंदर चलते, मैं अंदर आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ पूरा। देखो पूरा बाम्बू सब लगा हुआ है। लास्ट टाइम भी मैं चिंतामणि विजिट किया था, वो उसका इंस्टाग्राम पे मेरे है लिंक, तो वहाँ पे मूर्ति रहेगी, आप लोग सब समझ सकते हैं वहाँ पे मूर्ति रहेगी। कैसे देखो कितने सारे वर्कर सब मिलकर काम कर रहे हैं। और वहाँ पर देखो चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल मुंबई। और ये देखो यहाँ पर ना टी शर्ट मिल रहा है चिंतामणि का, चिंतामणि का टी शर्ट मिल रहा है। तो टी शर्ट का क्या सिस्टम रहता है, आपको ना लगभग 2 महीने पहले से बुकिंग करके आना पड़ता है, तब जाके आपको टी शर्ट मिलता है। आप वो पेपर दिखाएंगे उनको रिसीप्ट, तब टी शर्ट मिलेगा। तो अभी ये हुआ हमारे चिंतामणि का गणपति बप्पा मोरया। तो चलो अब हम लोग दूसरी जगह कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल हम अपने दूसरे लोकेशन पर आए हैं, काला चौकी चा महागणपति। यहाँ से जाते ये जो देख रहे हैं ना आप पतली सी गली, पहले आप यहाँ पे देख लो पूरा रोड ऐसे सजाया हुआ है, पूरा डेकोरेशन हुआ है यहाँ पर, बाम्बू लगाकर मस्त बैनर लगा के लाइटिंग वाइटिंग सब हुई है। वो गणपति के टाइम लाइट सब ऑन होता है। मैं ये जिस गली में अभी चल रहा हूँ ना, इस गली में देखो इतने से पतले से रास्ते में ना 22 फुट की गणपति यहाँ से अंदर जा गई है। ये आगमन 22 फुट की गणपति है इनकी इस बार की, हर बार ऐसे ही जाते हैं, इस गली से जाते, सोचो कैसे जाते होंगे लेके। और ये सामने बन चुका है, तो देखो मूर्ति यहाँ का आगमन हो चुका है। मूर्ति तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि परमिशन भी नहीं रहेगा, रहेगा तो भी नहीं दिखाने वाला। तो बाहर से बस थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन देख लो कैसा डेकोरेशन हुआ है। अच्छा देखो मूर्ति है, बट मूर्ति आ चुकी है और उसको छुपा दिया गया है। ये देखो
काल चौकीचा महागणपति कितना बड़ा है, छुपा दिया गया। तो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, दूसरे लोकेशन पे चलते हैं। परमिशन मिल गई है भाई, तो यहाँ के मंडल के लोगों ने परमिशन दे दिया, तो बोला अंदर से जाके निकाल लो, थोड़ा ध्यान दे के, वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो ऊपर ऐसे पहले बादल का कलर है, पूरा आसमान का है, स्काई का, और पूरा आसमान बना, और सामने देखो गणपति बदक के ऊपर ऐसे खड़े है। ये गणपति 22 फीट की निकलते है इसी गली से, जिस गली से देखा था। और यहाँ पर ना डेकोरेशन होगा पूरा, लास्ट ईयर का जो इमेज है वो देखो, ये दिख रहा है आपको, लास्ट ईयर कुछ इस तरह से गणपति थी। इस बार भी कवर करेंगे, इस बार तो पूरा व्लॉग ही रहेगा। तो चलते यहाँ से बाहर। तो गाइज रास पता चल चुका कि इतने पतले से गली से कैसे आती है गणपति। तो देखो ये दिख रहे हर पतरे में आपको ऐसे, ये जब भी गणपति आती जाती है ना, फोल्ड हो जाता है दोनों तरफ का देखो। और जितनी यहाँ पतरे है ना, सारे पतरे का वैसे समझे इस तरह से जाते हैं। वही तो मैं भी सोचूं भाई, कैसे इतनी बड़ी गणपति इतनी पतली से गली से जाती है, सच में बहुत ही अमेजिंग है ना। तो गणपति बप्पा मोरिया का कमेंट करो। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं लाल बाग से राजा के मेन मुख्य द्वार पे, और यहाँ पे ना रायगढ़ फोर्ट जैसा बना हुआ है लुक, और देखो कितना बड़ा है वो हमको दिख भी नहीं रहा है। ब्रिज के ऊपर जा चुका है, यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई है भाई, तो हम वीडियो बना पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे वीडियो भी। तो मैं नीचे चल के ना फटाक से पूरा दिखाता हूँ अंदर का, कितना बड़ा बना है वो देखो आप लोग। ये देखो इतना ऊपर है, इतना बड़ा लाल बाग से राजा का है। तो यहाँ एंटर करते अंदर पूरी गर्दी लगी है, पूरी भीड़, मस्त खचाखच, एकदम फीलिंग आ रही है फोर्ट वाली। यहाँ पे देखो सामने दिख रहा होगा वो ऊपर आपको लाइटनिंग, देखो पूरा लाइटनिंग डेकोरेशन हुआ है, यहाँ पूरा मार्केट है, देखो हार फूल ये सब का मार्केट है पूरा। अंदर चलते हैं, ये है मुख दर्शन के लिए, यहाँ से आप एंटर करके मुख दर्शन करते हैं मेन, और इसका पीछे वाले दरवाजे पे अभी मैं लेके चलूँगा, वहाँ से पग दर्शन है। तो मैं ज़िंदगी में पहली बार 13 घंटा लाइन लगा के बप्पा के पग दर्शन किया था लास्ट टाइम, वो भी शायद डेट 4 या 5 सितंबर ही थी। तो देखो मेन आ चुके हैं, देखो जगह जगह पूरा ऐसा संस्कृत में लिखा गया है, मस्त छाप मारा। और सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊँ क्या, मतलब कि रोड पूरा बनाते हैं, पूरा उसको अंदर घुसाते, एकदम गाड़ देते हैं, जरा भी हिलने का चांस नहीं। और ये जो रोड आज आपको खाली दिख रही है ना, जब 19 सितंबर आएगा, 19 सितंबर से लेके विसर्जन तक का ये ऐसा भरा रहेगा ना, खचाखच खचाखच, सांस लेने की भी जगह नहीं रहती है, इस तरह से ऐसी गर्दी रहती है। तो देखो पीछे मूर्ति है अपनी ढकी हुई है, तो मूर्ति नहीं देख सकते, ये अच्छा है एक तरह से। तो देखो यहीं से ये सामने से है जो मुख दर्शन है यहाँ से, और जो पग दर्शन यानी जो पग दर्शन करने आते हैं वो वहाँ पीछे से आते हैं, वो पैर छूते बप्पा के। और पता है मैंने वो पैर छूया है, मैं भाई अविनाश भाई और विकास फ्रेंड, हम लोग तीन लोग किए थे ना। तो वो ना YouTube पे वीडियो है, मैं वीडियो ढूंढता हूँ, मिल जाएगी ना तो उसको क्लिप डाल देता हूँ। पता है नसीब इतनी अच्छी थी ना कि जैसी हम लोग दिखे ना, उसके 2-3 सेकंड बाद ही वो क्लिप कट हुई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा था कि मतलब हुआ था भाई दर्शन। तो बस इसके आगे अलाव नहीं है, देख लो भाई यही इतना है, डेकोरेशन है। अभी चलते हैं यहाँ से दूसरे दरवाजे पर। तो देखो ये है हमारा दूसरा द्वार लाल बादशाह राजा का, यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ना कितनी बड़ी लाइन लगती है, कितना मतलब ज्यादा सब कुछ, मतलब कैसे अरेंजमेंट है पूरा, वो सब देखो। तो ये देखो फिलहाल ये जो मैं एंटर किया हूँ ना, ये एक बड़ा सा ग्राउंड है एकदम, और यहाँ पर ये देख रहे हो पूरे लोहे के रॉड ये सब लगा रहे, ये क्यों लगाते हैं पता है, लाइन की वजह से। ये देखो ऐसे 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 पूरी लाइन जाती है, ये पूरी लाइन पता है कैसे लाइन जाती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 क्यों करते पता है क्या, क्योंकि अगर वैसे नहीं करेंगे ना तो लाइन, अगर एक सीधी लाइन लगाएंगे ना तो सीधी लाइन लगाएंगे ना इतनी 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 बड़ी लाइन लग जाएगी ना, पता नहीं कितने दूर तक जाएगी। सोचो सिर्फ ये जो इतनी जगह है ना, इतनी जगह में
एक इंसान को मतलब मेरे को दर्शन करने में तो चीटिंग किया था, क्या ही बोलूँ, अभी करीबन 3 से 4 घंटे का चीटिंग किया था, तब जाके मुझे 13 घंटे में दर्शन हुआ था, और वो लाइन में किसी और तरफ से लगाया था। देखा इस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है, फ़ैन का, और खाने के लिए बिस्किट भी फ्री में मिलती है और पानी भी मिलता है। लास्ट ईयर सब था, इस बार भी सब रहेगा, तो मतलब ऐसा रहता है भाई लालबाग से राजा का अरेंजमेंट। तो अभी यहाँ से हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग किसी दूसरे लोकेशन पे चलते हैं, देखते हैं कहीं और कुछ। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन पर आए हैं, मुंबई का राजा गणेश गली में। यहाँ पर देखो अभी ना रायगढ़ फोर्ट बना रहे हैं। ये ना एक पता है एक बिल्डिंग की ना पार्किंग है, ग्राउंड है छोटा सा, वहाँ पर इतना बड़ा बन रहा है। और मज़े की बात ये है ना, लास्ट ईयर यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर बनाई गई थी। वहाँ पे देखो पीछे प्यारा सा कितना मस्त से छत्रपति शिवाजी महाराज की पेंट है वहाँ पे, कितना बढ़िया। और पता है ये जो दिख रहा है ना, वहाँ पर एंट्री गेट है गणेश गली का। सुजल बता रहा था कि वहाँ से सिर्फ यहाँ आके मुख दर्शन करने में उसको 2.5 घंटे लग गए थे, 3 घंटा लग गया था सिर्फ मुख दर्शन करने में। तो सोचो भाई, वहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप पैदल चलेंगे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, उसके लिए 2-2.5 घंटे लग गए थे। मतलब हाँ, रोड से इधर से ऐसा टर्न पास नहीं था, यहाँ से सीधा मुख दर्शन के लिए 3 घंटे लगे थे इसको मुख दर्शन में। तो देखो भाई ऐसे बन रहा है कुछ इस तरह से रायगढ़ फोर्ट यहाँ पे। पूरा नहीं दिखा सकता, और यहाँ की गणपति कुछ 22 फिट की है। और पिछली बार लाल बादशाह राजा में बना था राम मंदिर अयोध्या का, वहाँ भी बहुत अच्छा था। तो अभी यहाँ से चलते किसी दूसरे लोकेशन पर। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के भाई कुछ खा रहे हैं, और सुजल वड़ा पाव खा ले रहे हैं भाई पेट भर रहे। मैं तो बाहर का बिल्कुल नहीं खा रहा, तो मैं बिस्किट ले लिया हूँ 2-3, और कोल्ड ड्रिंक ले लिया हूँ नींबू पानी वाला, वो खा पी रहा हूँ। तो खाने पीने के बाद भाई यहाँ से निकलेंगे हम। तो गाइस फिलहाल अभी हम ना चिंतामणी वापस आए हैं, सिर्फ किस लिए पता है, बप्पा के लोगों का लॉकेट के लिए और टी शर्ट के लिए। तो हमने लॉकेट तो ले लिया है 2, एक सुजल का है और एक तन्मय फ्रेंड का है, और दूसरा अभी टी शर्ट ले रहा हूँ, तो टी शर्ट भी दिखा दो। तो फिलहाल ये चिंतामणि का टी शर्ट लिया भाई ने, इस तरह से पीछे दिखा, चिंच पोकली चा चिंतामणि। तो फिर चलो अब यहाँ से निकलते। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं 11वीं गली मुंबई चा महाराजा, जो कि संदृष्ट रोड से करीबन स्टेशन से वॉकिंग में 25 मिनट लगे हमको आने में, बहुत ढूंढने के बाद मिला। यार यहाँ के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 3-4 दिन पहले यहाँ पे आगमन हुआ था, ये काफ़ी बुरा लगा मुझे। 11वीं गली पता कर करके आया, तो देखो भाई पहले कितने बड़े बप्पा है वो देख लो आप लोग, 42 से 45 फीट। ये इंद्र के स्वरूप है उस तरह से बना, और यहाँ पे इनका वज्र रखा हुआ है। और पीछे देखो अभी काम चल रहा है मंडप डेकोरेशन का। देखो इतने बड़े बप्पा है मुंबई का महाराजा। तो देख लिया ना आप लोगों ने मुंबई का महाराजा यहाँ पर, तो अच्छा लगा तो भाई फटाक से नीचे गणपति बप्पा मोरिया कमेंट करो। तो दोस्तों आज की हमारी लास्ट गणपति है ग्रांड रोड का महागणपति। ये भी देख लो कितनी ज़्यादा बड़ी है, पूरी एकदम छुपा के रखी गई है, ऊपर से प्लास्टिक डाल दी गई है ताकि रिवील ना हो। ये देखो भाई इतनी बड़ी गणपति है ये, और यहाँ पे अभी इसका डेकोरेशन वगैरह सब बचा है। वहाँ पे उनकी छोटी प्रतिमूर्ति और फिर मूषक महाराज है। तो देखा आज का ये इतना पूरा है, यही हमारी आज की लास्ट गणपति है मुंबई ग्रांड रोड का महागणपति। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए तो पक्का आपको पसंद आया, तो नीचे गणपति बप्पा मोरिया कमेंट कर दो। और बाकी फिर से आज मेरी 5th एनिवर्सरी है इंस्टाग्राम ओपन की, और फिर से आप लोग तो हैप्पी टीचर डे। आज से 5 साल पहले मैं टीचर बना हुआ था, सर 7th क्लास को मैं मैथ्स पढ़ाया था, वो बच्चे स्टूडेंट थे मेरे, मतलब जो भी थे भाई, 1-2 लेक्चर लिया था, दोस्तों के साथ भी काफ़ी अच्छी यादें थी। तो भाई चलो फिर अभी अपना ये ब्लॉग वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ,
अगर पसंद आई तो फिर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और धन्यवाद। हमारे 700 हो गए फिर से, बस खत्म, टाटा बाय बाय।